हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन माय पॉलिटिकल ओपिनियनेटेड वीडियोस। आज जो है इस वीडियो में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है, जो लोग कहते हैं सो कॉल्ड नेगेटिविटी, तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं नेगेटिविटी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं अभी भी बता रही हूँ कि अगर विवादास्पद मुद्दों को छेड़ने से, मुद्दे मतलब सब्जेक्ट विषय जो है, विवादास्पद विषयों को छेड़ने से अगर नेगेटिविटी लगती है, तो मेरे ख्याल से आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं और आपको देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपके दाल रोटी में आप बहुत खुश हैं और आपको नहीं लगता कि देश की तरक्की होनी चाहिए, आपको नहीं लगता है कि देश जो है वर्ल्ड क्लास बनना चाहिए, तो इसमें हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे अंधभक्त जो है वो इस वीडियो से बहुत दुखी होंगे, क्योंकि ऐसे मैंने विवादास्पद विषय जो है ढूंढे हैं आज बोलने के लिए कि उनको डिसअपॉइंटमेंट्स पक्का होने वाली है और वो बाद में मुझे गालियाँ देंगे और नेगेटिविटी कहेंगे। और मुझे नेगेटिविटी इसीलिए पसंद है क्योंकि नेगेटिविटी से बात करने में, जैसे मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया कि नेगेटिविटी के बारे में बात करने से सुधार होता है, और नेगेटिविटी अगर सच्चाई के लिए हो, सुधार के लिए हो, धर्म और समाज के उत्थान के लिए हो, तो किसी महापुरुष ने कहा है, एरिस्टोटल आई थिंक, किसी महापुरुष ने कहा है कि इस तरह की नेगेटिविटी अच्छी होती है, ऐसा मेरा मानना है। शायद आप भी कुछ किताबें पढ़िए, अपने आप को अपडेट करिए, पढ़ते लिखते रहिए, तो शायद आपको भी पता चलेगा कि नेगेटिविटी एक्चुअल में किसे कहते हैं। जो मैं कह रही हूँ वो अब सुनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार, केंद्र सरकार जिसको हम कहते हैं, उसके बीच में और राज्यों के बीच में जो है एक तनातनी का माहौल है। जो राज्यों का बहुत सारा बकाया जो है केंद्र सरकार के पास है, और केंद्र सरकार ने लौटाने से मना कर दिया है। कल जीएसटी काउंसिल की 41st जो मीटिंग हुई, 5 घंटे की मीटिंग हुई, उसमें राज्य सरकारों को ये कहा गया है कि या तो आप आरबीआई के पास जाइए और आप आरबीआई से कर्ज ले लीजिए, आपके आपके जो राज्यों को चलाने के लिए आप आरबीआई से कर्ज ले लीजिए, या तो फिर हमें बोलिए, हम मार्केट से कर्ज उठाते हैं सस्ते में और आपको दे देते हैं, क्योंकि आपका जो जीएसटी का हमने शेयर बोला था, जो आप लोग राज्य में जो टैक्स कलेक्ट करते थे, वैट और ऑक्ट्राई और दुनिया भर का जो आप कलेक्ट करते थे सेल्स टैक्स एंड ऑल दैट, तो उसका 14 गुना जो है हम आपको देने वाले थे, ऐसा अरुण जेटली जी 10% देना चाहते थे। हमारे जो पूर्व, अभी स्वर्गीय है, हमारे जो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, वो 10% देने वाले थे राज्यों को, और अब वो जो था 14% कर दिया गया था, लेकिन राज्यों को इस वित्तीय वर्ष में 5 महीने हो चुके हैं फरवरी के बाद, बजट के बाद में, और एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, और राज्य समझ नहीं पा रहे हैं कि वो एक आम जनता का विकास कैसे करेंगे, एक जनता को कैसे सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, जनता के लिए क्या करेंगे, तो राज्यों को ये बात समझ में अभी नहीं आ रही है। राज्यों के पास सिर्फ पेट्रोल बचा है और शराब बची, जिसमें टैक्स वो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, और बढ़ा के कितना टैक्स बढ़ाएंगे और जनता का ध्यान कैसे रखेंगी राज्य सरकारें। ये सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अंधभक्त ध्यान से सुन ले, ये ओवरऑल सभी सरकारों की प्रॉब्लम है, और सभी सरकारें जो है केंद्र सरकार से गुहार लगा रही कि हमारे जो है कटोरा लेने की नौबत आ गई है और हम ऐसे में क्या करें, और केंद्र सरकार कह रही कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब केंद्र सरकार इतना आपत्ति का फंड जमा कर रही है, इतने एक्साइज टैक्स लगा रही है, इतने जीएसटी लगा रही है, दुनिया भर का इतना पैसा लगा रही है, पैसे कहाँ जा रहे हैं ये तो समझ में किसी को भी नहीं आ रहा है, भारत के अटॉर्नी जनरल को भी नहीं आ रहा है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वी आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो अभी अगर लीगली रिस्पॉन्सिबल अगर केंद्र सरकार नहीं होगी राज्य सरकारों को देने के लिए जो भी टैक्स का शेयर, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये बहुत ही मतलब नासमझी वाली बात हो गई है। खैर, उसके बाद में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और पंजाब से जो मुख्यमंत्री है पंजाब और महाराष्ट्र के, अमरिंदर सिंह और उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने कहा है कि आप जो पहले वाला हमारा पैटर्न है, जो पहले वाला हमारा जो सेल्स और ऑक्ट्राई और वेट और तमाम हम टैक्स हम लगाया करते थे चीज़ों पे, वो हमें वापस लौटा दीजिए, और आपका ये जीएसटी वाला जो फॉर्मूला है जो 2017 में आया था, गुड्स एंड सेल्स टैक्स जो है वो अगर आप वापस ले लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो बहुत बेहतर होगा, ताकि हम हमारी सरकार को चला पाएंगे और हम आपके सामने कटोरा लेके नहीं आएंगे। लेकिन सरकार ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है, और सरकार जो है सीधे सीधे मना कर रही है किसी भी तरह का फंड रिलीज करने से, जबकि फंड के बजाय वो लोन देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और ये जो मतलब
18 के बाद में ऐसी कोविड की सिचुएशन पहली बार आई है कि एक्चुअल में जो सरकार है उसका पर्दाफाश हो गया है, सरकार की एक्चुअली जो क्रियाकलाप है उसका पर्दाफाश हो गया है और सरकार जो है वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी राज्यों के प्रति लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि राज्य सरकारें उनकी भी है, राज्य सरकारें कांग्रेस की भी है, मगर फिर भी सरकार जो है किसी भी तरह की फंड रिलीज करने से सीधे तौर पर मना कर गई है। तो ऐसे में जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा हेवायर हो चुकी है, राजनीतिक व्यवस्था के साथ में अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ाई हुई है, अब राजनीतिक व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है और जो 2 महीने की किस्तें जो है वो भी मिस हो गई है, जो थोड़ा बहुत जो मुआवजा मिल रहा था, एक ऐसा बताया जा रहा है, पता नहीं कितनी खबर सच्ची है, अंदर की खबर है कि 1,65,000 करोड़ जो रिलीज हो गए और 1,35,000 करोड़ जो 3,00,000 करोड़ का राज्यों को देने का प्रावधान रहता है हर साल का, तो 3,00,000 करोड़ में से जो है 1,65,000 दे दिए गए, 1,35,000 बकाया है और जो है उसमें केंद्र सरकार कह रही है, ऐसा बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि उसमें केंद्र सरकार कह रही है कि उसमें जो है आप RBI से लोन ले लीजिए या वेट कीजिए ताकि हम आपको मार्केट से लोन लेके आपको जो है वो चीज़ें दे सके, और ऐसा सब खिंचातनी चल रही आपस में, जो मतलब बहुत ही शर्म का मुद्दा है। और अटॉर्नी जनरल भी उसमें कह रहे हैं भारत के कि हम वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सो हु इज़ गोना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ प्रायोरिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ प्रेरोगेटिव ऑफ गवर्नमेंट विच करंट गवर्नमेंट सीम्स नॉट टू बी टेकिंग इट। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इस बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छा मतलब इंडिपेंडेंट वीडियो बताऊंगी इसके बारे में, जिसमें मैं आपको डिटेल से सारी टेक्निकलिटीज़ बताऊंगी और एक डिटेल चर्चा है मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, और भी जो मतलब तमिलनाडु सरकार है और पश्चिम बंगाल की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है, और इन सब लोगों ने भी बहुत विरोध किया है, और शायद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो मीटिंग की थी उसमें भी ये मुद्दा प्रमुख था कि GST का शेयर जो है वो राज्य सरकारों को नहीं मिला, तो राज्य सरकार डेवलपमेंट कैसे करेगी, राज्य सरकार कैसे अपने यहाँ पर आगे बढ़ाएगी। अब मैं बता रही हूँ आपको कि जब उपचुनाव है बिहार में, तो चुनाव है इस बार, जो BJP के उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी को जो प्रायर चीफ मिनिस्टर है जिनकी सरकार अभी गिरा दी थी हाल ही में मार्च में, तो कमलनाथ जी के हाथ में एक पेन ड्राइव लग गई। कमलनाथ जी का ये दावा है कि BJP सरकार ने कुछ भी नहीं किया है पिछले 15 सालों में, और इसका जो सारा लेखा जोखा इस पेन ड्राइव के अंदर है, और हमने किसानों के 26 लाख के कर्ज माफ़ किए, और हमने कांग्रेस सरकार में क्या किया, सारा लेखा जोखा जो इस पेन ड्राइव के अंदर है, पेन ड्राइव से वो जो है BJP के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं का धमका रहे हैं, जो मतलब कमलनाथ जी इज द एक्स CM जिनकी सरकार गिरा के मार्च में जो इन्होंने अपनी BJP की सरकार बनाई है, तो उन्होंने एक पेन ड्राइव ईजाद कर ली है पता नहीं कहाँ से, और वो जो है BJP को अब लगातार डरा रहे, धमका रहे, और BJP जो सत्ते में आ चुकी है और BJP को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कैसे रिएक्ट करे। इसके बाद में मैं देखती हूँ कि कुछ TV चैनल्स जो है वो अब TV चैनल से तो जनता की मदद हो नहीं सकती, और ना ही TV चैनल से मोदी सरकार जो जनता की मदद करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन कुछ खास टीवी चैनल्स जो है वो लगातार जो है सुशांत सिंह की खबरें चला रहे हैं। हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम्स है, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो आपको शायद नेगेटिविटी लग रही होगी, मगर बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, पर्सनल भी और फ्रेंड्स भी और फैमिली वाले भी, और बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स की फैमिली वाले भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सुशांत सिंह पे वीडियो बनाइए, मेक वीडियो ऑन SSR, ऐसे मुझे मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी कपल का अपना पर्सनल मुद्दा है, कोर्ट देखेगा, पुलिस देखेगी, CBI तो देख रही है, ED ने भी देखा है केस को, हमको या TV चैनल को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा बहुत आप 15-20 मिनट की आप अपडेट्स आप दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ बेशरम TV चैनल जो लगातार सुशांत सिंह के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, प्राइम टाइम बना दिया है सुशांत सिंह को, तो सुशांत सिंह जैसों को अगर प्राइम टाइम अगर बना देंगे आपके देश में, तो फिर बाकी मुद्दे कौन कवर करेगा, वो भी एक देखने वाली बात होगी। देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में जिनके बारे में हमें बात करने की जरूरत है, जिनके बारे में हमें लिटरली बहुत अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है लोगों में, गरीबों में। सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सरकार ने जो लॉकडाउन कर दिया या अनप्लान्ड लॉकडाउन जो इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया है, उस तरह का जो सख्त लॉकडाउन कर दिया है, उसकी मार सिर्फ गरीबों को झेलनी पड़ी है।
वो गरीब जो हमारे दो उनका हैंड टू माउथ थे, जो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए जिनको बाहर जाना पड़ता था अपने घर से, उन गरीबों के ऊपर मार पड़ी है क्योंकि उद्योगपतियों के तो कर्जे आपने माफ कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी ये मुद्दा उठाया है कि आपके जो भी उद्योगपति, आपने फर्स्ट सबसे पहले जब आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, सबसे पहले आपने उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए हैं। और यही दावा जो कमलनाथ जी भी कर रहे हैं कि बीजेपी ने अपने 15 सालों के यहाँ पर कार्यकाल में बहुत सारे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया है, वही पेनड्राइव में भी है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। फिर भी बहुत सारे अंधभक्त जो है सुप्रीम कोर्ट को डिनाई कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं की बातों को डिनाई कर रहे हैं। आखिर लोग अपनी आंखें क्यों मूंद के बैठे हुए हैं? हम लोग अवेयरनेस क्यों नहीं लाना चाहते? नेगेटिविटी और विवाद से इतना डर क्यों लगता है? विवाद और नेगेटिविटी अगर नहीं होगी तो फिर सुधार नहीं हो सकता। आप अपने राइट्स के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए, अपने भारतीय होने के राइट्स के लिए, अपना जो एक भारतीय होने का गौरव आपको प्राप्त हुआ उसके लिए आप जिंदगी में कभी लड़ ही नहीं पाएंगे। आप यही कहेंगे कि बस नेगेटिविटी नहीं चाहिए, नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मोदी जी की जय हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नेगेटिविटी तो चाहिए होगी, और बिना नेगेटिविटी के तो कोई काम भी नहीं होता है। तो नेगेटिविटी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर राइट्स, व्हेन इट कम्स टू योर प्रायोरिटीज, व्हेन इट कम्स टू योर जॉब्स, योर फैमिली, your keith and keen, your acquaintances, और आपकी खास तौर पे आपके गरीब आपके देश में। आपको पता है हमारे देश में 45% से नीचे लोग अभी गरीबी रेखा में हैं, और शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे, 50-55% हो गए होंगे ये लॉकडाउन के चलते, कोविड की त्रासदी के चलते। तो ये अभी आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन पहले भी हमारे यहाँ 40% लोग थे, 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, अब शायद 50-60% हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे आ गए। उनके दाल रोटी का अरेंजमेंट हमें करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोदी सरकार तो सिर्फ 5 किलो चना और 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल दे देती है, उसमें क्या होने वाला है? तो इसलिए मुद्दों को छेड़ना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है, ये कल का बुधवार का ही फैसला है, कि केंद्र सरकार जो है वो आरबीआई के पीछे छुप रही है। कुछ लोन माफी का कोई केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो आरबीआई के पीछे छुप रही है। आरबीआई ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आरबीआई जो है किसी पर्टिकुलर उद्योगपति का या किसी पर्टिकुलर फर्म का जो है ऋण माफी करने में इंटरेस्टेड है। ऐसा आरबीआई की तरफ से कोई भी फरमान नहीं आया, और आरबीआई इस तरह आरबीआई से जब बात की गई तो आरबीआई के किसी भी लेटर में इस तरह से नहीं लिखा था कि कर्ज माफी की जाए। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि केंद्र सरकार जो छुप रही है सीधे तौर पे आरबीआई के पीछे, और ऐसा एक बार नहीं हो, ऐसा हजारों बार हो चुका है कि केंद्र सरकार जो है आरबीआई के पीछे छुपती है, और कभी कोई ना कोई उल्टी पुल्टी योजनाएं ले आती है। जीएसटी में तो कम से कम 34 बार संशोधन आज तक हो गए हैं। संशोधन का से मेरा मतलब है कि सुधार, संशोधन और सुधार और अमेंडमेंट जो है लगातार होते रहते हैं, जो लोग हिंदी नहीं जानते उनके लिए, जो लगातार अमेंडमेंट्स किए जाते हैं और लगातार ये बताया जाता है ऐसा नहीं ऐसा है। तो जब इतने अमेंडमेंट्स करने होते हैं तो इस तरह की योजनाएं लाते हैं क्यों, इस तरह की नीतियां लाते हैं क्यों? है पहले ही आप ढंग से अमेंडमेंट्स कर लीजिए, ढंग से सब कुछ करके उसके बाद में आप सामने आइए ना। आप पहले ही अमेंडमेंट्स करते रहते हैं और उसके बाद में नीतियों को ला के पब्लिक को बेवजह परेशान करते हैं। कल जीएसटी काउंसिल की 41st मीटिंग हुई, उसमें भी जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर सब लोग बहुत कंफ्यूजिंग दिखाई दिए, और ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है, पहली बात तो उनको जानना है, और इंटरेस्टेड भी नहीं है वो जानने में कि क्या है। अब आप देखेंगे कि हमेशा योगी सरकार की आप उसमें भी देखेंगे कि सिर्फ बातें ही हो रही है। आप यूपी की हालत देखिए, वहाँ पे कितने रेप और कितने बलात्कार हो रहे हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। और वहाँ पर काफ़ी सारे बीजेपी नेताओं के फर्जीवाड़े देखने आए हैं, कोई किताबें छाप रहा है, कोई फर्जी वो चिटफंड घोटाले टाइप्स कर रहा है, इंश्योरेंस फर्जी कंपनियां खोल के कोई, मतलब अब सिर्फ जो पढ़े लिखे या जो उद्योगपति या जो क्रीम क्लास है उसको सिर्फ फर्जीवाड़ा करके ही क्या काम चलाना पड़ेगा? ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ऐसा लग रहा है कि जो क्रीम क्लास है वो सिर्फ फर्जीवाड़ा कर ही अपना काम चला सकता है, क्योंकि सरकार के सामने किसी की इज्जत नहीं बची, किसी की औकात बची नहीं है अब, और रोजगार चलाने की भी शायद औकात बची नहीं है लोगों की। तो सिर्फ बहुत सारे जो क्रीम क्लास है, जो पढ़े लिखे वर्ग भी है, वो भी सिर्फ फर्जीवाड़ा करके ही अपना काम चला रहे हैं, और ऐसा ही शायद करना मोदी सरकार की
कार्यकाल में पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज इसके अलावा और कोई रास्ता लोगों को नजर नहीं आ रहा है। और बहुत सारे टीवी चैनल्स जो है वो, जैसे मैंने बताया आपको, सुशांत सिंह का प्राइम टाइम चला रहे हैं, देश और दुनिया के इतने बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, चाइना अमेरिका बिल्कुल सेना जो है बिल्कुल तैनात है युद्ध लड़ने के लिए, अमेरिका ने भी अंडमान निकोबार में अपनी सेनाएं तैनात कर दी है, और चाइना भी पूरी तरह से अपनी सैन्य शक्ति बिल्कुल स्थायी रूप से बना के बैठा हुआ है। और ये सब छोड़ के हमारे न्यूज़ चैनल जो प्राइम टाइम में SSR को चला रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत को चला रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, प्राइम टाइम चल रहा है, न्यूज़ दिखाना बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है मेरे को कि वो ना दिखाए, न्यूज़ ना दिखाए, मगर प्राइम टाइम व्हाट इज दिस, और वो भी कपल के पर्सनल मामले को आप प्राइम टाइम बनाते हैं, आप फिर पुरानी गर्लफ्रेंड्स को ले आते हो, ये गर्लफ्रेंड उनको तो अच्छा है पब्लिसिटी मिल रही है, तो ये तो आएंगे ये बताएंगे ये चार चीज़ें और ज़्यादा ऐड ऑन करके जाएंगे, लेकिन क्या प्राइम टाइम बताना सही है आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का प्राइम टाइम चलाया जाए। देश और दुनिया की इतनी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है, इतनी ज़्यादा खतरनाक स्थिति चल रही है, और एक तो अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक तो मतलब जाके रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने चले गया, मतलब रिया चक्रवर्ती मतलब ऐसे हो गई है जैसे, पहले तो ये अनपढ़ गंवारों को एक्टिंग सिखाता कौन है, मतलब थोड़ी चूचा चिल्ला पों करेगी तो TRP बढ़ेगी ऑब्वियसली चैनल की, तो मुझे नहीं लगता कि चैनल को चिल्ला पों और इस तरह के जो है लड़के झटके दिखाने के लिए इस तरह से एक संदिग्ध का इंटरव्यू लेना चाहिए, शी इज़ अ मेन अक्यूज इन दिस, तो जो मेन अक्यूज है उसको ऊपर हॉस्पिटल वाले भी वो मॉर्चरी में अलाउट कर देते हैं, और बड़े बड़े चैनल्स हाई क्लास चैनल्स जाके उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, अब वो तो ये नहीं बताएगी कि हाँ मैंने फलाने को जो है ड्रग्स खिला के लूटा है और ठिकाने को मैंने, अभी जो अनपढ़ गंवार आ जाते हैं बॉम्बे में जो जिनको काला अक्षर भैंस बराबर होता है, जिन्होंने जिंदगी में कभी कॉलेज का मुँह नहीं देखा है, अब वो एक्टिंग करेंगे, तो मेरा ख्याल से ऐसे लोगों को एक्टिंग से भगा देना चाहिए, पहली बात तो इनको एक्टिंग सिखाने वालों को भी भगा देना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग के नाम पर एक्टिंग कम चलती है यहाँ पर, और लोगों सुशांत सिंह जैसे मासूम बच्चे को, मासूम जो एक मासूम इंसान है जो इतना सीधा इतना भोला इंसान है, इतनी उसकी जो भोलेपन की हंसी है उसके चेहरे पे, एक सादगी जिसके अंदर है, उसको आप लूट रहे हैं ड्रग्स खिला के, तो इस तरह की गंवार औरतों को लड़कियों को जो भी है जो भी कहेंगे आप भगा देना चाहिए पहली बात तो, पढ़े लिखो को अगर आप थोड़ा भी, फिर भी मैंने बताया जैसे सेंसिटिविटी थोड़ी सी होती है, मैंने आपको ये भी बताया कि मेरे वीडियोस भी काफ़ी सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट रखते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, सेंसिबिलिटीज़ नहीं है, अगर ना भी आप अनपढ़ भी हो थोड़ी बहुत, अगर आपने कभी ज़िंदगी में मेहनत करके हार्डवर्क करके आपने थोड़ी सेंसिबिलिटीज़ अर्न की है तो भी समझ में आता है, मगर ये तो पूरी तरह से जो है, मैं तो जहाँ तक माहौल देख रही हूँ तो अनपढ़ गंवारों का, और इस तरह के जो है पैरासाइट एक्ट्रेसेस इनको कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 80-90% पैरासाइट एक्ट्रेसेस, ओ माय गॉड, उनके इंटरव्यूज चलेंगे अब प्राइम टाइम पे, उनके इंटरव्यूज हमें देखने पड़ेंगे, इतने हमारे देश की दुर्दशा हो चुकी है, तो ये कुछ चैनल से मेरी गुहार है, मैं ये गुहार लगा रही हूँ, रिक्वेस्टिंग कि इस तरह से जो संदिग्ध आरोपियों के और क्रिमिनलों के इंटरव्यूज आप कृपया ना लें, वो भी इतना बड़ा क्राइम जिसमें आपने महीनों लूटा है, आपने किसी को, आपने उसके क्रेडिट कार्ड यूज़ किए, उसे कंपनी बनवा के, अच्छा आपने कंपनी बना ली, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, कम से कम उसके साथ में आप रह लेती तो आप जाके आपके बॉयफ्रेंड के घर चली जाती हो, आपने मेरा बुढ़ा करके इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ डाल दिए, उस बेचारे को ड्रग्स की आदी बना दिया, उसको ड्रग्स रोज खिला के उसको अपने मन मुताबिक बिल्कुल एकदम वो होता है ना, जैसे जीन होता है, जीन बना लिया अपना कि क्या हुक्म मेरे आका, तो इस तरह के लोगों की इंटरव्यूज चलेंगे अब, सो रिडिकुलस यार, मतलब यार हमारे देश को हुआ क्या, हमारे देश की मीडिया को हुआ क्या है कि मतलब कुछ भी कल को लेके पता नहीं रेड लाइट एरिया में चले आएंगे, उनके इंटरव्यूज हमें सुनने पड़ेंगे, उनके बिचारों की दुखियारी स्टोरीज हमें सुननी पड़ेगी, मतलब ये क्या है ये, और प्राइम टाइम में चलेगा मतलब, और एक मासूम की जान चली गई है और आप उनके संदिग्ध आरोपियों का इंटरव्यू ले रहे हो, इतने मासूम बच्चे की एक जान चली गई, आप उनके संदिग्ध आरोपियों का इंटरव्यू ले रहे हो, मतलब शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, सो पैथेटिक।